गुड मॉर्निंग एवरीवन। कस के बोलो यार। चलिए तो हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो देखिए बच्चे लोग, आज हम लोग अपना फिफ्थ हेड ऑफ इनकम स्टार्ट करेंगे। कौन सा हेड? फिफ्थ हेड ऑफ इनकम, जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहलाएगा। ओके चलो, तो सर इसको शॉर्ट में हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बार बार नहीं बोलकर क्या बोल लेंगे बच्चे लोग? IFOS। ओके, तो जैसे हम लोग बोलेंगे IFOS तो आप समझ जाइएगा कि हम लोग बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और ये जो हेड है हमारा ये लास्ट हेड ऑफ इनकम है। कौन सा हेड है? लास्ट हेड ऑफ इनकम में आता है। चलो तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अच्छा सर, सबसे पहला पॉइंट तो ये बताइए कि इस हेड ऑफ इनकम का रेंज ऑफ सेक्शन क्या है? रेंज का मतलब बाबू कि ये कहां से कहां तक आता है। तो लोकेश बच्चे, ये सेक्शन 56 से लेकर 59 तक आता है। जैसे हम लोग सैलरी पढ़े थे ना, सेक्शन 15 से 17, फिर हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा सेक्शन 22 to 27, फिर हम लोग PGBP पढ़ेंगे सेक्शन 28 to 44D तक, उसके बाद हम लोगों ने कैपिटल गेन पढ़ा सेक्शन 45 से 55, उसी तरीके से अदर सोर्स सेक्शन 56 to 59। अच्छा, अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है बच्चों अदर सोर्स के बारे में, इसका जो चार्जिंग सेक्शन है वो सेक्शन 56 है। अब सीन ऐसा है कि देखिए, जब लॉ लिखा गया, जब इनकम टैक्स रूल बनाए जा रहे थे, इनकम टैक्स एक्ट लिखा जा रहा था, तो उस समय ये कहा गया कि कुछ ऐसे इनकम होंगे जो सिर्फ अदर सोर्स में ही जाएंगे। मतलब बच्चों कि कुछ इनकम को उसी वक्त डिसाइड कर लिया गया था कि अदर सोर्स में ही जाएगा, और कुछ ऐसे इनकम है जो कहीं नहीं गए इसलिए वो अदर सोर्स में जा रहे हैं। Point to be noted, पहले बात समझिए, कुछ ऐसे इनकम है जो किसी हेड में नहीं गए, वो सैलरी में नहीं गए, वो HP में नहीं गए, वो PGBP में नहीं गए, वो कैपिटल गेन में नहीं जा सकते, इसलिए उनको अदर सोर्स में भेजा जा रहा है। देखिए कहने को बहुत आसान है लेकिन ये पूरी तरह से आसान नहीं है। रिलैक्स होकर मेरी बात एक बार फिर से सुनिए। जब इनकम टैक्स एक्ट लिखा गया, उसके बाद जब इनकम टैक्स लॉ डिजाइन की गई, तो उस वक्त कुछ ऐसे खास स्पेसिफिक इनकम थे जिसको उस वक्त ही डिसाइड कर लिया गया था कि ये सब अदर सोर्स में जाएगा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं कैजुअल इनकम पर, कौन बनेगा करोड़पति? बच्चों ये जो शो है जो अमिताभ बच्चन सर चलाते हैं और बिग बॉस जैसे जो शो है, तो वो सोचो उस जमाने में जब 1962 में लॉ लिखा जा रहा था, 1961 में इनकम टैक्स एक्ट बनाए गए, तो क्या उस समय ऐसा कोई इनकम के बारे में सोच सकता था कि टीवी पर कोई शो आएगा जिसमें इतने बड़े बड़े रिवेन्यू इनकम आ सकते? कोई नहीं सोच सकता था। लेकिन जो लॉ मेकर है वो बहुत स्मार्ट है, उनको पता है कि इस तरह के भविष्य में जो इनकम अराइज होंगे, इनका तो कोई स्पेस है नहीं, इनका तो कोई हेड नहीं है, तो इन लोगों ने क्लियरली लिख दिया कि जो इनकम, वैसे इनकम जो किसी हेड में नहीं जाएंगे वो कहां जाएंगे? अदर सोर्स में। इसीलिए बोला चार्जिंग सेक्शन दो पार्ट में है, सेक्शन 56(1), सेक्शन 56(2). तो देखिए, वन क्या बोलता है, कवर द इनकम व्हिच डज नॉट फॉल अंडर अदर हेड, वैसे इनकम जो कहीं नहीं गए इसलिए वो अदर सोर्स में गए, और कुछ ऐसे इनकम है जो सिर्फ अदर सोर्स में ही जाएंगे, मतलब उनके बारे में, उस इनकम के बारे में पहले से पता था लॉ मेकर को, लॉ मेकर जानते थे इसलिए उस इनकम का लिस्ट बना दिया, बाजाफ्ता अदर सोर्स में बता दिया कि ये सब अदर सोर्स में ही रहेगा। अब बात समझ पाए क्या? तो क्या हुआ, कुछ चीजें उस वक्त पता थी, कुछ चीजें पता नहीं थी, इसलिए दो बातें कही गई, जो इनकम कहीं नहीं जाएगा वो अदर सोर्स में जाएगा, और कुछ ऐसे इनकम है जिसको उसी वक्त, जैसे वो जुआ, गैम्बलिंग। देखिए जुआ ऐसा है ना बच्चे कि हमारा कल्चर बताता है, इवन सो महाभारत जब आप देखे तो भी पता चला भैया सब फसाद का जड़ को जुआ ही था। यानी बच्चों सभ्यता और राजा जब से बनी है ये गैम्बलिंग है। तो बुआ जब एक्ट लिखा गया तो लॉ मेकर को पता था किस तरह का हमारे देश में, दुनिया में कोई खेल है जुआ, लोग गैम्बलिंग, लॉटरी, इस तरह का कोई खेल है लोग चलाते हैं। तो कुछ चीजें पता था, लेकिन कुछ चीजें जैसे एनी शॉट ऑफ गेम, बिग बॉस जैसा शो आज से 70 साल पहले फ्यूचर में आएगा, ये क्या लोग सोच सकते थे 1960 में? नहीं सोच सकते थे।
कौन बनेगा करोड़पति जैसा कोई शो आएगा, टीवी सीरियल आएगा जिसमें इतना इतना लोग इनकम कमा सकते हैं, ऐसा कोई सोच सकता था नहीं। इसलिए लॉ मेकर बहुत स्मार्ट थे। अगर नहीं लिखा जाता ना बाबू तो आज क्या होता कि इनकम कहीं नहीं जा सकता था, क्योंकि लोग कोर्ट में चैलेंज कर देते, बोलते कहां लिखा हुआ है एक्ट में कि कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो, बिग बॉस जैसे शो जिससे पैसे कमाए गए हैं, इनकम रिसीव किया गया है, वो अदर सोर्स में जाएगा, कहां लिखा हुआ है। इसीलिए तो एक्ट अपने को डिफेंसिव शॉट खेलते हुए उसने पहले ही लिख दिया जो कहीं नहीं जाएगा वो अदर सोर्स। लॉ मेकर तो बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल्स लोग होते हैं, तो जो आप और हम नहीं सोच सकते, खैर आप और हम तो बेवकूफी लोग हैं, लॉ मेकर्स बहुत इंटेलेक्चुअल। आपका पता नहीं, अपना तो पता है कि हम बेवकूफी हैं। नहीं ऐसा नहीं है, हम आप लोग का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप लोग समझते ही नहीं है तो हम क्या। हाँ थैंक यू, नहीं इट्स माय प्लेजर, इस चीज का हम रिगार्ड्स रखते हैं। आगे चले दोस्त, आगे चले। तो सर एक बात बताइए, तो क्या कौन सा चीज पढ़ाना चाहिएगा बच्चों? हम लोग पहले उस इनकम को पढ़ेंगे जो पहले ही स्पेसिफाई कर दिया गया, जो पहले ही बता दिया गया कि ये सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं जाएंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही जाएंगे। हम लोग आगे बढ़े, तो हम लोगों ने क्या बेसिक चीज सीखा? पहला, IFOS कौन सा हेड ऑफ इनकम है? फिफ्थ हेड ऑफ इनकम है। इसका रेंज क्या है? सेक्शन 56 से लेकर 59 तक। चार्जिंग सेक्शन क्या है दोस्त? 56 सबसेक्शन 1। 56 क्या बोलता है? देखिएगा मैंने ब्लू कलर से लिखा है, एन इनकम विच इज नॉट स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड, मतलब उसको माफ नहीं किया गया है, एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है, और वो इनकम किसी और हेड में भी नहीं जा रहा है, समझिएगा, वो एग्जेम्प्ट भी नहीं है और कहीं और भी नहीं जा रहा है, मतलब वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं है, वो HP में टैक्सेबल नहीं है, वो PGBP में टैक्सेबल नहीं है, वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं है, तो कहां जाएगा? IFOS में जाएगा। ओके, यहां तक आपको थीम समझ में आया? कंटेंट yes, yes, आगे बढ़े हम लोग। ओके तो सर क्या कुछ ऐसे इनकम हैं जिसको स्पेसिफिकली पहले ही डिफाइन कर दिया गया कि ये सब अदर सोर्स में जाएंगे? हाँ जी बच्चों, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे इनकम हैं जिसको पहले ही स्पेसिफिकली डिसाइड कर लिया गया, तो हम वन बाय वन आपसे लिस्ट डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो पहला क्या है? डिविडेंड इनकम। अभी हम लोग डिविडेंड इनकम पे डिटेल में बात करेंगे। दूसरा क्या है? कैश मनी। सर तीसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। उसके बाद लमसम रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉइज एज कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड, फिर पेंशन फंड, गिफ्ट। इस तरीके से बच्चों बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो हम लोग डिटेल में पढ़ते जाएंगे, और जैसे कैपिटल गेन आप स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आप एक एक सेक्शन सीख लिए, सेक्शन 54 बी ई सी एफ मैंने सब आपको आसानी से बता दिया, वैसे हम ये भी पढ़ लेंगे, बस आपको मेंटली रिलैक्स रहना। तो शुरू करें, अब इसमें से कोई एक पॉइंट उठाते हैं और आते हैं। तो हम लोग सबसे पहला इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आएंगे जो आपको बड़ा मजा आएगा, कैजुअल इनकम के बारे में। सर डिविडेंड नहीं बताइएगा? बिल्कुल बताएंगे, इस पर भी हम लोग चलेंगे। तो आते हैं सबसे पहले कैजुअल इनकम, आ जाए। अच्छा तो हम सबसे पहले आपसे कौन सा पॉइंट डिस्कशन करने जा रहे हैं? कैजुअल। अच्छा सर एक बात बताइए, हम लोग बचपन में ये सीखे थे कि भैया पार्टी कैजुअल ड्रेस पहन के आना, वहां से पहली बार लाइफ में फॉर्मल और कैजुअल का डिफरेंस समझ में आया, और आज टैक्स में फिर से ये कैजुअल आ गया है क्या? देखिए बुआ, इनकम टैक्स कहता है कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे इनकम है जहां इंसान से ज्यादा उसके किस्मत का साथ देना बड़ा जरूरी है। एक चीज समझिए दोस्त, अगर हम लॉटरी पर बात करते हैं, लॉटरी में तो मानो ना मानो किस्मत का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना बहुत जरूरी है दोस्त। आप कार्ड गेम ले लो ताश, जिसमें कार्ड गेम पे लोग, अच्छा सोचो अगर किसी को अच्छे पत्ते गए ही नहीं, अच्छा जिनको थोड़ा भी आइडिया समझ जाएंगे कि पत्तों का अच्छा आना बहुत, जैसे शशि हमारा समझ गया इसलिए चवनी मुस्की दिया, इसको पता है जब तक अच्छे कार्ड नहीं आएंगे सर लाख नॉलेज हो सब बेकार चला जाना है, आप इस बात को मानते हैं।
तो देखिए इनकम टैक्स को भी पता है कि कुछ ऐसे इनकम होते हैं जो कहीं ना कहीं तकदीर और किस्मत पर डिपेंड करता है सर, जैसे एग्जांपल लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स। क्रॉसवर्ड पजल्स आप देखे हो, जानते हो, वो न्यूज़पेपर में कॉलम टाइप का आता है, हम लोग उसको फिलअप करते हैं, उसमें गेम भी होता है, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सर बेटिंग हो गया तो सट्टेबाजी जुआ, जिसमें हम लोग बोली में पैसा लगाते हैं। अभी आप लोग देख लो वो जो ऑनलाइन एक नहीं ऐप, कौन लेवन, एमपीएल एमपीएल है, और माई सर्कल लेवन करके आजकल चल रहा है, तो वो ये सब बेटिंग ऐप है, जहां आप देखिएगा जब भी आप पैसे जीतते हैं तो आपको टीडीएस कट के मिलता है। तो देखिए एक्चुअली आप नहीं जीतते, कहीं ना कहीं आपका किस्मत और आपका थोड़ा तजुर्बा भी साथ देता है। तो ऐसे इनकम को सरकार ने और इनकम टैक्स लॉ ने सिंपल कहा कि देखो भैया, मेरे नजर में ये सब एक तरह का जुआ है, डायरेक्टली कहो चाहे इनडायरेक्टली कहो, मेरे नजर में ये सब गैम्बलिंग कैरेक्टर है। और जितने भी कैजुअल इनकम होंगे, कैजुअल इनकम होंगे, हम इस पर सिंपल फ्लैट 30% टैक्स लगाएंगे। सर व्हाट डू यू मीन? बच्चों जो कौन बनेगा करोड़पति का, जो आप अमिताभ बच्चन सर का शो देखते हो, और अगर कोई आदमी 1 करोड़ रुपया जीतता है तो आप भूल जाइए कि उनको 1 करोड़ मिलना है। इनकम टैक्स लॉ साफ साफ कहती है कि भैया तुम्हें 30% फ्लैट फ्लैट एकदम टैक्स देना होगा, मतलब 1 करोड़ का 30 लाख तो टैक्स में चला जाएगा। और हेल्थ और एडुकेशन तो तुम भूल ही जाओ, वो तो लगेगा ही, वो तो एक्स्ट्रा है, सरचार्ज एक्स्ट्रा है, मतलब तुमको बेसिक टैक्स 30% देना पड़ेगा। चाहे तुम लॉटरी से कमाते हो, क्रॉसवर्ड पजल से कमाते हो, कसीनो में जीतते हो, सट्टेबाजी में अगर कोई पैसा जीतता है, जुए में कोई पैसा जीतता है, रेस हॉर्स में पैसा जीतता है, और कार्ड गेम्स में पैसा जीतता है। सर विजय माल्या बड़ा फेमस है हॉर्स रेस के लिए, नहीं दोस्त, हॉर्स रेस और रेस हॉर्स में बहुत बड़ा फर्क है। सर ये क्या है, हॉर्स रेस और रेस हॉर्स? हाँ पेशेंस रखो, हम बात करेंगे उस पर भी आपसे। तो अभी जो हम आपसे हॉर्स रेस की बात कर रहे हैं ना, वो सिंपल हम एक कैरेक्टर का बात करना चाह रहे हैं। जैसे बुआ आप गए, रेस हो रहा था घोड़ों का, आपने वहां बोली में पैसा लगाया, आपने घोड़े 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर के घोड़े पे पैसा लगाया, और आप वहां सट्टेबाजी में पैसा जीत गए। तो ये जो पैसा है ये एक तरह का गैम्बलिंग माना जाता है, और आप इस पे जितना भी पैसा जीतोगे इस पर टैक्स कितना लगेगा, 30% लगेगा। अभी मैंने सिर्फ टैक्स कहा, मैंने टीडीएस नहीं कहा। अच्छा सेक्शन 115BB में गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि देखो भाई, अच्छा आपको याद है जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे फ्लैट, LTCG पे फ्लैट 20% टैक्स लगता है। सरकार कोई मर्सी नहीं करती, इनकम टैक्स लॉ में कोई मर्सी नहीं है, वैसे बच्चों यहां कोई मर्सी नहीं है। फ्लैट कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 30%, 30%। आगे बढ़े हम लोग, अब इसको डिटेल में एक एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं, सुनिएगा, क्योंकि अभी ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है। एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आदमी है जिनका नाम है मिस्टर नीतीश, ठीक है, अपने क्लास के स्टूडेंट है, तुम नोट्स लिख रहे थे तो अचानक से उनका नाम याद आ गया, तुमने लिख दिया। तो देखो मान लो नीतीश ने एक महालक्ष्मी लॉटरी का टिकट खरीदा, क्या मन में आया भाई साहब को कि उन्होंने 20,000 का एक लॉटरी टिकट ले लिया? अब सोचिएगा लॉटरी टिकट खरीदना अपने आप में एक्सपेंस है कि नहीं? अर्नब हम जब लॉटरी टिकट आप हम या दुनिया का कोई इंसान खरीदता है, आप लोगों फिल्म देखे बड़ा फेमस हुआ था माला माल वीकली था शायद, उसमें लॉटरी के ही कारण इतना तांडव हो जाता है ना, 1 करोड़ लॉटरी का शायद अमाउंट रहता है। तो बाबू जब हम लॉटरी का टिकट खरीदते हैं और उस टिकट का जो भुगतान करते हैं, जो पैसा पे करते हैं, वो तो मेरे लिए एक्सपेंस है। हाँ सर बिल्कुल वो एक्सपेंस है। तो देखिए हुआ क्या कि नीतीश अचानक से महालक्ष्मी लॉटरी में 5 लाख रुपया रिसीव कर लिया। भैया इनको टैक्स का प्रॉपर नॉलेज था, इनको याद आया, अरे सर ने तो कहा था कि लॉटरी का जो इनकम होता है वो कैजुअल इनकम होता है। कैसा इनकम होता है? कैजुअल इनकम होता है। और सरकार इनकम टैक्स लॉ फ्लैट इनसे कितना परसेंट टैक्स लेगी, 30%, मतलब सर कोई मर्सी नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। उतना छोड़ दो, मर्सी तो दूर की बात है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि सर नीतीश का तो इनकम 5 लाख
माइनस लॉटरी इनकम हम कर देते हैं तो 4,80,000 हुआ। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम गलत हो। सर क्या मतलब, ये कहां से नया मैटर आ गया? तो हम आपको बता दें कि इनकम टैक्स लॉ साफ साफ कहता है कि कैजुअल इनकम के रिस्पेक्ट में जितना भी एक्सपेंस होगा हम वो माइनस नहीं करने देंगे। सर ये तो बड़ा ज्यादती है। हाँ सर एक बात बताइए, एक आदमी कौन बनेगा करोड़पति शो खेलने मुंबई गए अमिताभ बच्चन सर के साथ, वो होटल में रुके, आने जाने का फ्लाइट का भाड़ा लगा, वो वहां 10 दिन रुके और 10 दिन का टोटल खर्चा एक इमेजिन कर लेते हैं कि 50,000 रुपया लग गया, तो सर क्या इस 50,000 को एक्सपेंस नहीं माना जाएगा? इनकम टैक्स कहता है नो, मेरा मनमौजी चलेगा। कहते हैं ना हर सेक्टर का एक बाप है, तो इनकम टैक्स लॉ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग है, वो कहता नहीं नहीं फुटो, क्या है फुटो, हम माइनस नहीं करने देंगे। मतलब दोस्त आपको किसी भी तरह का एक्सपेंस माइनस होने नहीं मिलेगा, उतना छोड़ो। आज हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप ना हॉर्स रेस पर बोली लगाए 4th नंबर घोड़े पर और आप 10,00,000 रुपया जीत गए और आप बोली लगाए ना दोस्त, तो वहां 2,00,000 का बिट प्राइस था, बोली था, आपने 2,00,000 रुपया लगाया। कायदे से तो आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर 2,00,000 तो मैंने पेड कर दिया है तो मेरे पास तो सिर्फ 8,00,000 ही ना आया। इनकम टैक्स कहता है नहीं नहीं ये सब हमको मत सुनाओ भैया, एक्सपेंस नॉट डिडक्टेबल। देखिए मैंने साफ साफ लिख दिया है, एक्सपेंस नॉट डिडक्टेबल, किसी भी तरह का खर्च डिडक्टेबल नहीं है कैजुअल इनकम के रिस्पेक्ट में। मतलब सर ये तो अजीब बात हो गई, मतलब सिर्फ इनकम देखेगा और एक्सपेंस नहीं देखेगा, मतलब सुख में आपके साइड है और दुख में अलग है। तो देखे है ना धमाल जावेद जाफरी वाले केस में, पैसा लेते समय ये लोग 2 यूनिट हो जाता है और खर्च भरने के समय 1 यूनिट हो जाता है। तो इनकम टैक्स का भी वही हाल है, दुख में साइड हो जाएगा और जैसे ही इनकम की बात आ जाएगी तो तुरंत बोलेगा अच्छा ये मेरा इनकम। आगे चले, सिर्फ यही नहीं जाप्ती करेगा, और सुनिए अभी तो मैंने आपको 3 चीज गिनाया, टैक्स कितना लगेगा 30% जो कि अपने आप में बड़ा अमाउंट है, कोई भी एक्सपेंस आपको लेस करने नहीं देगा। दूसरा और सबसे बड़ी बात, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट और निवेश करोगे ना आपको डिडक्शन भी नहीं देगा, 80C से लेकर 80U तक का बेनिफिट आपसे छीन लिया जाएगा। सर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं निवेश करते हैं ताकि उनको बेनिफिट मिले, सर ये बेनिफिट से हम हाथ धो बैठेंगे? हाँ बिल्कुल, भूल जाओ, बोलेगा भूल जाओ। हाँ बता रहे हैं, भर भर के टैक्स पे करेंगे सरकार। एक तो तुम अपने नॉलेज पे बिग बॉस में गए, इतना लड़ाई झेले, लड़ाकू बन के निकले, लेकिन भरोगे टैक्स, कितना दुख गिनाए तुमको, एक्सपेंस माइनस नहीं होगा, 30% टैक्स लगेगा, तुमसे बेनिफिट छीन लिया गया, अभी भी दिल नहीं भरा है। एक पॉइंट और है, कहेगा जो बेसिक लिमिट का एग्जम्पशन है ना होगा, अच्छा याद है आपको बेसिक लिमिट? हम आपको याद दिलाते हैं, जब हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ा रहे थे, जब हम आपको टैक्स कैलकुलेट करना सिखा रहे थे, तो शायद आपको याद होगा जो लोग 60 साल से कम के होते हैं उनको 2.5 लाख का बेनिफिट मिलता था ना, 2.5 लाख तक टैक्स कुछ नहीं लगेगा नील। जो लोग 60 साल से ऊपर और 80 के कम होते थे उनपे 3 लाख का कोई टैक्स नहीं लगेगा, याद है आपको बेसिक लिमिट? और जो लोग 80 साल से ऊपर के होते थे उनपे 5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये पॉइंट याद है आपको? तो पता है आपसे ये बेनिफिट भी छीन लिया गया। मतलब सर अगर हम 40 साल के व्यक्ति हैं और हमने लॉटरी में मान लीजिए 10,00,000 रुपया जीता है तो सर 2.5 लाख तक तो एग्जम्प्ट होना चाहिए ना, क्योंकि लॉ कहता है कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन कैजुअल इनकम का रूल कहता है कि बेसिक लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कहेगा कि भैया तुम तो चूहा टाइप की आदमी हो, पता नहीं तुम जैसे इन सब शो में चले गए सरकार तुमको क्या समझ लेती है, ये कहते ना 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 इस आदमी से सब छीन लो, ना तो इसको डिडक्शन का बेनिफिट देंगे ना बेसिक लिमिट का बेनिफिट देंगे और हद तो ये है कि टैक्स भी इससे हुमच के लेंगे कितना 30% और TDS भी इस पर लगाएंगे कितना 30%।
मतलब अगर तुमने लॉटरी में 10 लाख रुपया जीता है तो तुमको 7 लाख ही मिलेगा। अगर तुम सुनो सुनो बात नहीं, अगर तुमने कौन बनेगा करोड़पति में 1 लाख रुपया जीता है तो घर 70 ही लाख लेके जाओगे, चैनल 30 लाख काट के देगी क्या सर? सच में? हाँ दोस्त। और अगर वो नहीं डिडक्ट करेगी ना तो वो उसको पनिशमेंट इनकम टैक्स देगी कि वो वही जानता है। बहुत स्ट्रॉन्ग रूल है। खैर वो आपको पढ़ना नहीं इसलिए हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ टीडीएस का आपको सेक्शन बताना चाहेंगे। लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम्स पे किस सेक्शन अप्लाई होता है? 194B। अगर आपको याद रहेगा बाबू तो आप एग्जाम में लिखना, नहीं याद रहेगा सेक्शन मत लिखना, बस इतना बता देना 30% टीडीएस लगेगा। और हॉर्स रेस पर किस सेक्शन के अकॉर्डिंगली? 194BB। देखो ना 194BB पता है। लेकिन अगर आपका लॉटरी इनकम 10,000 से कम है या 10,000 तक है तो आप टीडीएस आप पे अप्लाई नहीं होता सर। लेकिन टैक्स टैक्स दोगे, टीडीएस नहीं लगेगा। टैक्स तो दोस्त तुमको हर हाल में देना है, तुम रो के दो, हंस के दो, पिटिया के दो, टिटिया के दो, टैक्स तो देना है। टीडीएस क्या है? टीडीएस का मतलब ऊपर से ही इनकम पहले लेस हो जाता है, कट जाता है। जैसे एग्जांपल तुम कौन बनेगा करोड़पति के शो में गए, तुम जीत गए तो अमिताभ बच्चन सर तुमको 1 करोड़ रुपए नहीं देंगे। वो जो चैनल है कलर्स है ना, कलर्स पे चलता है ना, तो वो जो चैनल है सोनी पे चलता है, सॉरी, तो वो चैनल जो है बाबू, चूंकि वो अपने आप में कंपनी एक एंटिटी है, वो सबसे पहले 30% लेस करेगी फिर आपको पे करेगी। और आपका टीडीएस सरकार को जमा कर देगी कि देखिए शशि रंजन नाम के एक व्यक्ति हैं जिनका ये शो में उन्होंने इतना प्राइस जीता, उनका टीडीएस हम आपको सबमिट कर रहे हैं। तो जब आप टैक्स पे कीजिएगा ना तो जितना टीडीएस आपका जा चुका होता है उतना वापस कर दिया, मतलब एडजस्ट कर लेती है सरकार। दो बार थोड़ी ना टैक्स लगेगा, तो वो एडजस्ट कर लेगी, कॉम्पनसेट कर लेगी, क्योंकि सरकार कहेगी कि 30 लाख ऑलरेडी आपका टैक्स आ चुका था उस सोनी चैनल से, तो आप ऐसा करो जो बच रहा वही दो। ओके, सिर्फ टीडीएस पे रुकी है। आप अगर ये सोच रहे हो कि टैक्स नहीं लेगी 10,000 तक, तो आपकी गलत फहमी है दोस्त। मैंने साफ साफ लिखा है इफ लॉटरी एक्सीड्स 10,000 तब टीडीएस लगेगा। हमने ये नहीं कहा कि टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स तो हर हाल में लगेगा दोस्त, माफी नहीं है। तो आपको ये समझ में आया कि नाम कितना इज्जत वाला है कैजुअल, लेकिन कर्म सरकार ने एकदम इंफीरियर नजर से देखती है बउआ। इतनी हो जैसे हम लोग जब कॉमर्स ले लेते हैं आप अपने स्कूल में, तो गांव में कैसे लोग, अच्छा कॉमर्स लिया है और आर्ट्स ले लिया तो तू और गया गुजरा है। वैसे सरकार ना कैजुअल इनकम को एकदम गिरे नजर से देखती है। चले कोई दिक्कत तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। ओके अच्छा, अब देखिए कैजुअल इनकम तो हम लोग मोटा मोटी समझ गए कि सर विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस, कार्ड गेम। लेकिन जानते हैं एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है रेस हॉर्स से भी। अच्छा सर एक और टॉपिक है, देखिए एक्चुअली ना रेस में दो तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं बाबू, ये पहले आप ध्यान से समझिएगा। एक लोग जो सिर्फ बोली लगाते हैं, मतलब हम लोग जैसे आप और हम गए और हम लोगों को लगा कि भैया इस नंबर के घोड़े पे पैसा लगाना चाहिए, ये राइडर अच्छा है, ये जीत जाएगा, इस तरह से हम लोगों ने लगाया। लेकिन एक ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉपर हॉर्स का मेंटेनेंस करते हैं, रख रखाव करते हैं, पीछे मार लिया। सोचिए वो आदमी अपने आप में इतना दबदबा रखता है इनकम टैक्स में कि उस अकेले इंसान के लिए पूरा लॉ बना था। सोचिए न्यूज चैनल वाला भले उसको दिखा देता है खुद्दूस आदमी है, पैसा लेके भाग गया कि जैसे कोई चिंदी चोर है उसको धर के ले आएगी पुलिस, है ना, हाँ बिहार पुलिस जाएगी या पकड़ के उसको ले आएगी या तेलंगाना पुलिस जाएगी, मतलब चूजा है, मुर्गी का बच्चा है। अगर कोई ऐसा सोचता है ना तो हम लोग की बहुत बड़ी गलत फहमी है सर। वो कुछ छोटा मोटा पर्सनैलिटी नहीं है। खैर आते हैं टॉपिक पे, छोड़िए आइए मेरी बात को समझिए। आप इसे एक लाइन से एग्जांपल समझ लीजिए कि अपने देश में एक ही आदमी है जो रईसों में रईस है, विजय माल्या, जो करोड़ों रुपया फूंक देता है इस तरह के शौक पर, मतलब अपने चॉइस पर। अब देखिए समझिए होता क्या है। वो
हम लोग जितना आसान समझते हैं ना कि घोड़ा का पालन पोषण ट्रेनिंग खाना पीना मेंटेनेंस सस्ता है, नहीं दोस्त, हम लोग हमेशा टमटम वाला घोड़ा देखेंगे। और नहीं तो मरीन ड्राइव पर गए, 50 रुपए में बैठे, कुछ 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 हम लोग को लगता है भैया वही है, नहीं दोस्त। हाँ ढेचू ढेचू गधा है। अच्छा छोड़िए, चेंज द टॉपिक। तो पता है बाबू, इनकम टैक्स लॉ ने कहा कि जो लोग रेयरिंग एंड केयरिंग करेंगे, सुनिएगा, मेंटेनिंग हॉर्सेस मतलब घोड़े को पालेंगे, ओन करेंगे, मेंटेन करेंगे, ट्रेंड करेंगे, उनके लिए एक्सपेंस अलाउ कर दिया गया। कहा गया कि विजय माल्या जो है वो जो भी घोड़े को पालते पोसते हैं ट्रेंड करते हैं या इनके पास जो भी इंडिया में इस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं वो लोग एक्सपेंस को डिडक्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, एक तरह से देखा जाए तो ये तो बिजनेस हो गया, इनकम टैक्स कहती है नो, ये अदर सोर्स में जाएगा, यानी दोनों अदर सोर्स में रहेगा, लेकिन उनके लिए एक बेनिफिट रखा गया है। क्या बेनिफिट रखा गया है रेस हॉर्स में, कि भाई तुम एक्सपेंस को डिडक्ट कर सकते हो, मतलब होगा उनका ना नेट इनकम इनकम माना जाता है, लेकिन जो लोग बोली लगाते हैं उनके लिए क्या है, ग्रॉस इनकम इनकम माना जाता है। एक एग्जांपल से समझाते हैं, देखो मान लो हॉर्स रेस हो रहा था, चलो इसी में से घोड़ा उठा लेते हैं, प्यारा सा एक घोड़ा, ये अच्छा लग रहा है हमको, ये लग रहा है, चलो ये घोड़ा भाई साहब तो हम लोग ना इस पर बोली लगाए और इत्तफाक से ये विनर बन गया, सुनिएगा, और विनर प्राइस था 10 लाख रुपीस। और इस घोड़े को ठीक है कौन पालते पोसते और ट्रेंड करते हैं, मान लो विजय माल्या। तो दोस्त सबको प्राइस मनी मिलता है, जिनका घोड़ा होता है उन्हें भी पैसे दिए जाते हैं, जो सट्टा में पैसा लगाता है उनके पास भी इनकम जाता है, और जो इस पूरे मैच को ऑर्गेनाइज कराता है ना उनके पास भी। ये तो कोई सोचो ना, क्यों मैच ऑर्गेनाइज कराएगा, बीसीसीआई आईपीएल कराती है तो कुछ फायदे के लिए ना यार, सेम लाइक दैट। तो जो ऑर्गेनाइजर है उनके पास भी जाता है। तो खैर छोड़ो, अभी पहले विजय माल्या को देखो। तो मान लो ये हमारे प्यारे से विजय माल्या जी हो गए, ठीक है, टाटाणा, कोई दिक्कत तो भैया कुछ, अब इनको मिला मान लो 10 लाख, इनके लिए 5 लाख कर देते हैं, मान लो इनको मिला 5 लाख, लेकिन एक प्रॉब्लम है दोस्त, हमारे पूरे 10 लाख रुपए इनकम मान लिए जाएंगे। कहा जाएगा कि तुम तो बेटिंग कर रहे हो, तुम तो बोली लगा रहे हो, तुम एक्सपेंस नहीं लेस करना, यानी हम लोग एक्सपेंस नहीं लेस कर सकते। लेकिन जो विजय माल्या है, घोड़े को पालने पोसने में यहां तक लाने में अगर मान लो इनका 2 लाख रुपए एक्सपेंस हो गया तो ये लेस कर लेंगे, और इनका इनकम कितना माना जाएगा, 3 लाख। तो जानते हैं ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इवन सॉ क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया था जिसमें लिखा गया था ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस, तो तुरंत समझ जाइएगा कि अपने को ये माइनस कर लेना है। ओके आगे चले, कोई दिक्कत, तो क्या फर्क समझे, तो पॉइंट क्या, इसका मतलब हॉर्स रेस और रेस हॉर्स में कोई डिफरेंस मिला। रेस हॉर्स क्या है, वो लोग जो घोड़े को ओन करते हैं और मेंटेन करते हैं। अच्छा सर, क्या सच में घोड़े को पालना पोसना बहुत कॉस्टली है? हाँ दोस्त, आप इससे अंदाजा लगाओ ना, अपने क्रिकेट वाली जो टीम है 11-12 खिलाड़ी पे 2 ट्रेनर है, 2 से ज्यादा तो नहीं दिया बीसीसीआई ने, और इन लोगों के लिए एक एक घोड़े पे 2 ट्रेनर रखा जाता है, इसीलिए कहा गया रईसों का इनकम है दोस्त, रईसों का बिजनेस है। और सबसे अच्छी बात आपको बताएं, अगर आपको कभी बोली सट्टा पैसा लगाना होगा हॉर्स रेस में, कभी भी कैश एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि कैश को ब्लैक मनी माना जाता है, आपको हमेशा इसके लिए डीडी जमा करना होगा। और 1-2 लाख तो भूल जाओ, 1-2 लाख लेके गए हो तो कहेगा बाबू पॉपकॉर्न लो, भूंजा लो, खाओ बेटा, समझे, वहां हम लोग जैसा आदमी वहां गरीब है, शशि को छोड़ के, अर्णव एक्सेप्शन है, दूसरा विजय माल्या अर्णव अपने बिहार का है। आगे चले, कोई दिक्कत, हाँ काश हर बिहारी आप ही जैसा गरीब रहे। बताइए, देख रहे हैं,
जीरो तो काउंट नहीं कर पा रहा है, चार चार कैश मशीन है इनके घर, हम लोग तो थूक लगा कितना बार नोटवा जोड़ गिनते हैं कि फट जाता है, नोट पुराना तो सब हम ही लोग कर रहे हैं, उसी को गिनते 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 सोचिए बैंक में एक ही रहता है, शशि के घर पे दो है। खैर जोक सपाट, आगे चले, लेकिन ये बात जोक नहीं था, ये सच था। आगे चले हम लोग, होप सो सभी को क्लियर हुआ। एक बार और रिकॉल करते हैं, लास्ट बार अच्छे से सुन लीजिए। सर कैजुअल इनकम किसको कहते हैं? बाबू वैसा हर एक इनकम जिसमें सरकार को एक जुआ जैसा कैरेक्टर दिखता है, वैसा इनकम जो तकदीर से जीते जाते हैं, वैसा इनकम जिसको सरकार हमेशा एक नेगेटिव नजर से देखती है, जैसे लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स या एनी शॉर्ट ऑफ गेम्स। सर ये शॉर्ट ऑफ गेम्स क्या है दोस्त? आजकल जो आप पर आप खेलते हैं, आजकल वो लूडो आया ना दोस्त, वो जुपी लूडो वगैरह, वो भी इसी के अंदर आता है। कौन बनेगा करोड़पति जो शो है वो भी इसी में आता है, बिग बॉस भी इसी में आते हैं, और ऐसा हर एक शो जिसमें खेलने के बाद पैसा मिलता है दोस्त सब। और दो चार बताओ ना वो सट्टा वाला कुछ कुछ ऐप, शशि को तो सब पता होता है, रमी सर्कल, वो सब भी इसी में आता है। खैर तो बउआ इनकम टैक्स लॉ ने ऐसे इनकम पर, कैजुअल इनकम पर कितना टैक्स डिसाइड करके रखा है? बहुत सुंदर, किस सेक्शन में? डबल बी। अगर आपको याद रहेगा तो आप पक्का अपने वर्किंग नोट में मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ये सब प्रेजेंटेशन आपके आंसर में चार चांद लगा देगा दोस्त। और अपना टारगेट रखना है कि टैक्स में 90 से नीचे काटा ना जाए, क्या उम्मीद रखे? मुस्कुरा दिया तुम लोग, अच्छा 95 का, ओह माय गॉड, वेरी गुड वेरी गुड। तो उस हिसाब से तो अनुराग जो है 98 से कम नहीं रखा होगा। आगे चलते हैं। अच्छा फिर मैंने आपको क्या क्या बताया बाबू? जितने भी कैजुअल इनकम होते हैं, जितने, भले मैंने एग्जांपल लॉटरी का ही रखा है, लेकिन हर एक कैजुअल इनकम उसका एक्सपेंस कभी भी डिडक्ट नहीं होता, याद रखिएगा। और इनको कभी भी अंडर सेक्शन 80C से 80U तक का बेनिफिट भी और बेसिक टैक्स एग्जम्पशन लिमिट भी इनसे छीन लिया गया है। और TDS भी कितना लगता है? 30%। अच्छा कितना अच्छा सिमिलैरिटी है, टैक्स भी 30 और TDS भी 30। लेकिन एक क्लॉज है, TDS के लिए दो सेक्शन है, कौन कौन सा होगा देखिए। हॉर्स रेस को अलग कर दिया गया, उसके लिए डबल भी रखा गया है, और बाकी कैजुअल इनकम के लिए 194 भी रखा गया है। और अगर आपका लॉटरी का इनकम 10,000 तक है या 10,000 से कम है तो TDS नहीं लगेगा। अच्छा सर एक बात बताइए, अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि शशि ने कौन बनेगा करोड़पति शो में 70 लाख रुपया रिसीव किया, तो इसका क्या मतलब बना अनुराग? इसका मतलब यही बना ना कि TDS लेस होने के बाद मिला, इसका मतलब ये नेट इनकम है अर्नब, है ना बुआ? ये नेट इनकम है, तो क्या हमें नेट इनकम लिखना है कि ग्रॉस इनकम लिखना है? ग्रॉस इनकम, नहीं नहीं नहीं, आपको पता है कि एक्सपेंस नहीं लेस होगा, TDS हमको ग्रॉस इनकम चाहिए। तो अगर हम इनका ग्रॉस इनकम निकाले तो कैसे निकालेंगे? 70 लाख इंटू 100% डिवाइडेड बाई 70%। क्यों? क्योंकि ये 70 लाख अपने आप में 70% है ना, TDS कटने के बाद, तो हमको ग्रॉसअप करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये कहते शशि ने 70 लाख जीता, विनिंग किया, सोचो थोड़ा समझ लो फर्क को, ये तो तुम क्वेश्चन में उलझ जाओगे। विनिंग तो अनुराग, विनिंग का मतलब क्या हुआ? शशि ने जीता, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रॉस अमाउंट, हम लोग ग्रॉस अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, और जो अमाउंट ग्रॉस हो उसको दोबारा ग्रॉस नहीं करते। तो याद रखिएगा, रिसीव का मतलब हुआ कि टैक्स कट के मिला है, और जीतने का मतलब कि ये ग्रॉस फिगर है। ओके, हम लोग न्यूमेरिकल्स पे अभी जब चलेंगे तो और ये चीजें क्लियर होगी। लेकिन इसके अंदर एक क्या एक्सेप्शन आपको पढ़ाए, वो लोग जो रेस हॉर्स की हॉर्स रेस
रेस हॉर्स में इन्वॉल्व है। इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वैसे लोग जो ओनिंग एंड मेंटेनिंग करते हैं, यानी अच्छे नस्ल के घोड़े को पालते हैं, पोसते हैं, ट्रेंड करते हैं, तो वो एक्सपेंस को क्या कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं। एक्सपेंस घटा लेंगे, ठीक है। हाँ, एक्सपेंस घटाने के बाद आगे चले, कोई दिक्कत? होप्सो यहां तक क्लियर हुआ होगा। और कुछ जो डाउट रहेगा ना दोस्त, जब हम एग्जांपल्स पुट करके आपको एक समझाना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, आगे बढ़ा जाए। चलिए, एक पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर कर लिया। कैजुअल देखो, आ जाओ पहले यहाँ इस पॉइंट पर। सर, आपने इस सभी पॉइंट में से कौन सा पॉइंट क्लियर कर दिया? कैजुअल को क्लियर कर दिया। और ये बहुत हद तक और क्लियर होगा जब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक। हाँ, सब रईस है, सब बाद में पढ़ेंगे, देखते हैं रिकॉर्डिंग। हाँ, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ेगा सब। हाँ, उसके बाद भी पढ़ सकता है, क्या है सब। चलिए, कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा सर, ये क्या है, थोड़ा सा इसको समझा दीजिए। आइए हम आपको एक एग्जांपल बताते। अच्छा बाबू, आप लोग न्यूज में पढ़े थे कि रणवैक्सी रिसेंट में, मतलब कोरोना 2019-20 के आसपास बहुत लॉस में जा रही है ना। आइए हम आपको ना इसके रणवैक्सी का वो दौर बताते हैं जब रणवैक्सी अमेरिकन मार्केट में एकदम टॉप पे हुआ करती थी। जानते हैं रणवैक्सी का टोटल नेटवर्क 26,000 करोड़ का हुआ करता था। ओके, सुनते जाइएगा ध्यान से, ये हम क्यों एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आपको उसको समझा सके। तो जानते हैं हर कंपनी में बाबू कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वहां के बैकबोन होते हैं। आप मानते हो ना? आप किसी मिठाई दुकान जाओ ना, कोई ऐसे कारीगर होंगे जिनका बनाया हुआ मिठाई, समोसा, कचौड़ी खाने के लिए मार है। बैकबोन है वो इस इंसान वहां का। तो क्या होता है बाबू कि हर एक कंपनी में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वहां के बैकबोन होते हैं। जैसे आपको हम बता दें, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में पीयूष पांडे नाम के एक पर्सन है जो बैकबोन माने जाते हैं। इवन सो बीजेपी गवर्नमेंट को स्लोगन भी उन्होंने दिया था, अगली बार मोदी सरकार, जो 2014 का वो फेस था। तो आपको बताते हैं, मीठा है खाना आज पहली तारीख है, ऐसे उन्होंने बहुत सारे ऐसे टैगलाइन दिए ना दोस्त, दाग अच्छे हैं, ऐसा लग डर के आगे जीत है, मतलब एडवर्टीजमेंट देख के भी मजा आ जाता है। किसी का कपड़ा गंदा कर दिया और कह रहे हो दाग अच्छे हैं, क्या स्टुपिडिटी है। लेकिन देखो नेगेटिव बात में भी क्या है, पॉजिटिव है। तो आते हैं मुद्दे पर। तो बाबू हर कंपनी में एक ऐसा इंसान होता है जो बैकबोन होता है, तो कंपनी नहीं चाहती वो कभी छोड़कर जाए और ना उनका कॉम्पिटिटर उनको कभी तोड़ कर ले जाए सैलरी बढ़ाकर। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि इस इंसान का, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए अनुराग टाटा की एक बैकबोन एम्प्लॉई है, मतलब बहुत कोऑपरेटिव है और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वेल गुड, रणवैक्सी में यही तो हुआ था, उनके सीईओ वगैरह जैसे छोड़े ना बाबू, रणवैक्सी के जो डायरेक्टर है ना, उनकी वाइफ से कुछ अनबन हो गया था और उसके बाद जैसे ही टीम मेंबर ने छोड़ा, रणवैक्सी धीरे धीरे लॉस के कगार पे आ गए। छोड़ी, मैनेजमेंट पढ़ाते तो आपको वो केस स्टडी पढ़ाते, खैर टैक्स पढ़ा रहे तो इस बात पे नहीं जाते। तो होता क्या है कि मान लीजिए अनुराग का हम लोगों ने इंश्योरेंस करा दिया, कि इंश्योरेंस अनुराग का 10 करोड़ का करा दिया गया है, इस उम्मीद पर कि अनुराग टाटा को छोड़कर ना जाए और 60 साल तक सेवा दे रिटायरमेंट के लिए। अब यहां दो बातें, दो नहीं टोटल तीन बातें दोस्त। ऐसा भी तो हो सकता है अनुराग अपना पूरा ट्रस्ट टाटा के प्रति बनाए रखे और 60 ईयर की एज तक नौकरी करके रिटायर हो। नहीं हो सकता अनुराग? तो जब अनुराग 60 ईयर तक रह जाएगा तो टाटा को करोड़ों और अरबों का बेनिफिट भी तो देकर जाएगा, क्योंकि उस बंदे में दम है। बिल्कुल, तभी तो इतना कीमैन है ना, वो कीमैन उसको कहते ना, देखिए की शब्द से समझिए चाबी, यानी वो संस्था का इतना इंपॉर्टेंट इंसान है कि वो अपने आप में चाबी है वहां का। तो जो भी पैसा अनुराग को दिया जाएगा रिटायरमेंट के बाद, ये इंश्योरेंस का कहां टैक्सेबल हो जाएगा? सैलरी में। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि अनुराग बीच में कंपनी टाटा को छोड़कर जाकर रिलायंस को ज्वाइन कर लिया,
तो अब ये इंश्योरेंस का पैसा 10 करोड़ मिलेगा अनुराग को? आंसर इज नो, कंपनी खुद रख लेगी। तो कंपनी जब पैसा रख लेगी तो टैक्सेबल कहाँ हो जाएगा? पीजीपी पे। अच्छा, आप ये दोनों हेड नहीं पढ़ रहे हो, तो ना तो ये आपके काम का है और ना ये आपके काम का है। अब समझो, ठीक है, हम एग्जांपल चेंज कर देते हैं क्योंकि मेरे स्टूडेंट पर है, हम किसी आउटसाइडर पे रख देते हैं। अब मान लेते हैं एक ऐसा आदमी है जो रिलायंस का की पर्सन है, इनका खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, जैसे आपको देखे होंगे रिसेंट में टाटा के किसी एम्प्लॉय का वो मर्सिडीज से शायद एक्सीडेंट हो गया था ना, सारस मिस्त्री थे ना, शायद सारस मिस्त्री थे ना। इमेजिन करो दोस्त, ये तो नेचुरल है, कभी भी किसी को कुछ हो सकता है, कोई नहीं जानता। तो अब इमेजिन कीजिए वैसे केस में इंश्योरेंस का पैसा किसको मिलेगा? फैमिली मेंबर। तो इनकम टैक्स लॉ कहता है कि सारस मिस्त्री अगर उनका इंश्योरेंस रहा होगा एज अ की मैन, तो जो भी इंश्योरेंस का पैसा उनकी फैमिली मेंबर लेगी वो सब कहां टैक्सेबल होगा? आईएफओएस में। तो उनकी जो वाइफ होंगी ना, वो पैसा कहां टैक्सेबल होगा? आईएफओएस में। तो बाबू एग्जांपल किसी पर भी हो सकता है, तो अगर उस इंप्लॉय की परिवार उस पैसे को रिसीव करती है तो वो कहां टैक्सेबल हो जाता है? आईएफओएस में। तो चूंकि हम सैलरी पढ़ नहीं रहे हैं, हमारे लिए ये यूजलेस पॉइंट हो गया है, ये वाला हम पीजीबीपी अभी पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर आते हैं। क्या इस पॉइंट में कोई दिक्कत है? पक्का बोर नहीं ना हुए? समझ में आया? इसीलिए बच्चे आप जब भी किसी कंपनी का कीमैन बनोगे ना, तो हमेशा याद रखना महंगा जूता नहीं बनना है जीवन में, बिंदी बनना है। बिंदी लगेगा माथे पे लगेगा, जूता लाखों करोड़ का हो पैर में ही लोग बांध लेता है, इसीलिए कीमैन सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे चले, डन। क्या हुआ शशि? हाँ, पहले फैमिली पे, हाँ चलेंगे, जनरेटर पे भी चलेंगे, जनरेटर पे भी चलेंगे। फैमिली पेंशन पहले आपको समझाना चाहते हैं, सुनिए। देखिए होता क्या है, पहले ना फैमिली पेंशन किसको कहते हैं इस पे समझते हैं। अच्छा, यहाँ कोई ऐसा है जिनके नाना या दादाजी को पेंशन मिलता है? शशि के नाना जी को पेंशन मिलता है, आपकी दादी जी को पेंशन मिलता है। ओके, पहले शशि पे एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चों देखिए, नाना जी किनके दादी जी को? दादी जी, सुनते जाइएगा ध्यान से। कुछ एक बात बताइए, नाना जी कभी ना कभी बिहार सरकार के लिए काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए? बिहार नालंदा। तो अच्छा, तो बिहार गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल, सेंट्रल, वेरी गुड। तो सुनिए बाबा, एक बात समझिए, अब यहां पर एक मोरल फंसता है। बाबू इनके जो नाना जी हैं शशि के, वो रिटायर किए ऑब्वियसली, यानी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच और इनके नाना जी के बीच जो कि एम्प्लॉय हैं, इनके बीच कैसा रिश्ता था? एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का 60 इयर्स के बाद नाना जी रिटायर कर गए, तो नाना जी को क्या मिलने लगा? पेंशन। तो ये पेंशन कहां टैक्सेबल होगा? मेरा लेफ्ट आर्म बहुत फड़क रहा है जी, सब ठीक है ना? हाँ, तो ये पेंशन कहां टैक्सेबल होगा दोस्त? सैलरी में, अंडर द हेड सैलरी। लेकिन अब इमेजिन कीजिए, नानी है शशि, नहीं छोड़ दो ये एग्जांपल, नहीं हटा देते हैं बाबू, आपके नानी दादी जी को ना, तो मेघा के कभी ना कभी तो दादाजी को पेंशन मिलता होगा। जब दादाजी का देहांत तो हो गया तो वो पैसा किनको मिलने लगा? दादी को। अब इमेजिन करो, क्या दादी के बीच और गवर्नमेंट के बीच इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिश्ता है? आंसर इज नो। और लॉ कहता है कि जब इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिश्ता होगा तो सैलरी में टैक्सेबल होगा। तो जब इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिश्ता है ही नहीं, तो दादी को जो पेंशन मिल रहा है मेघा की दादी जी को, वो पेंशन कौन सा पेंशन कहलाता है? फैमिली पेंशन। उसी पेंशन को फैमिली पेंशन कहते हैं, और जब इंप्लॉय रिसीव करता है तो उससे हम सीधे पेंशन कहते हैं। यही फर्क है बाबू।
जब इंप्लॉय रिटायरमेंट के बाद खुद रिसीव करे तो डेट इज नोन एज पेंशन, लेकिन जब परिवार रिसीव करता है उसे हम फैमिली पेंशन कहते हैं। तो देखो मैंने शॉर्ट में आपको समझाया, पेंशन रिसीव्ड बाय इंप्लॉय। आपको पता है कि हम इंप्लॉय को शॉर्ट में डबल ई लिखते हैं, इंप्लॉयर को ईआर लिख देते हैं। तो बउआ जब इंप्लॉय खुद रिसीव करता है तो आपको पता है शशि के नाना जी उस पेंशन का टैक्सेशन सैलरी में पे करते होंगे, सैलरी हेड में, और इनके दादी जी का जो टैक्सेशन बनता होगा वो IFOS में। आगे बढ़े तो आप पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि पेंशन रिसीव कौन कर रहा है। इफ पेंशन इज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड, इफ पेंशन इज रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर IFOS। अब आगे बढ़ते हैं, और बउआ जब परिवार रिसीव करता है, रुकिए क्या कंटिन्यू है, जब परिवार रिसीव करता है उसे हम क्या बोलते हैं, फैमिली पेंशन। अब सुनिए, गवर्नमेंट नबाबू एक मर्सी करती है फैमिली पेंशन के केस में, क्योंकि देखिए हमको पता है कि दादाजी जब डेथ कर गए तो दादी को पेंशन मिल रहा है और पेंशन हाफ हो जाता है। आप जानते हैं अगर नाना जी को पेंशन मिल रहा है, खुदा न खास्ता उनको कुछ हो जाएगा, जब नानी जी रिसीव करेंगी तो पेंशन का अमाउंट कम हो जाएगा, हाफ हो जाता है। तो फैमिली पेंशन के केस में इनकम टैक्स एक रिलीफ देती है, कहती है हम आपको डिडक्शन अलाउ कर देंगे। क्या दे देंगे? डिडक्शन। लेकिन कितना देंगे? तो सुनिए, कहता है फैमिली पेंशन का 1/3। देखिए मैंने तो क्लियर रूल लिखा है 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000। इन दोनों में जो लेस होगा वो क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा और बाकी पैसे टैक्सेबल हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सुनिएगा। मान लीजिए दादी जी को, मेघा के दादी जी को 60,000 फैमिली पेंशन मिलता है, FP फैमिली पेंशन। क्या दोस्त ये पूरा 60,000 टैक्सेबल है? नो सर, नो। देखिए कैसे इनकम टैक्स लॉ कहता है कि इसका 1/3, तो बउआ 60,000 का 1/3 कितना हो गया, 20,000, और मैक्सिमम लिमिट 15,000। दोनों में जो लेस होगा उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो शशि दोनों में कम कौन, 15,000। तो 60,000 में 15,000 का हमें डिडक्शन मिल गया तो बचा कितना है, 45,000। तो टैक्सेबल फैमिली पेंशन कितना हो गया, 45,000। आज आपने एक रियल लाइफ का टॉपिक जाना कि जब भी परिवार रिसीव करता है तो वो फैमिली पेंशन कहलाता है, और कभी भी पूरा फैमिली पेंशन टैक्सेबल नहीं होगा। अनुराग ध्यान से समझना मेघा, तो बेटा 1/3 जो फैमिली पेंशन मिल रहा है खुशी, उसका 1/3 जब तुम बुढ़ा जाओगी, खैर अब तो फैमिली पेंशन खत्म हो गया तो खुशी को तो मिलने से रहा नहीं, तो छोड़ दो तुम ये टॉपिक। और 15,000 दोनों में जो लेस होगा वो डिडक्ट कर दिया जाएगा, जो पैसे बचेंगे वो टैक्स। ओके, हम आपको एक एक एग्जांपल से आगे सब बताएंगे, बस अभी रूल समझा रहे हैं। आगे बढ़े, होप सो क्लियर है, आप अच्छे से समझ गए। जब इंप्लॉय स्वयं पेंशन को रिसीव करता है तो वो सैलरी में टैक्सेबल होता है, और जब फैमिली रिसीव करती है तो IFOS में चला जाता है। लेकिन उस पेंशन को पेंशन नहीं कहते, फैमिली पेंशन कहते हैं, और फैमिली पेंशन कभी भी पूरा टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन पता है हम गवर्नमेंट को सल्यूट देना चाहेंगे 2-3 चीज के लिए, ये बहुत अच्छा लगा हमको गवर्नमेंट का पॉलिसी। गवर्नमेंट कहता है कि अगर कोई फैमिली पेंशन विडो ऑफ एम्प्लॉय ऑफ UNO रिसीव कर रही है तो उनका पैसा एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो सिंगल मदर है और उनके लिए आय का कोई सोर्स नहीं है, इसको माफ कर दिया जाए। या गैलेंट्री अवॉर्डी है, जैसे आपने देखा होगा हमारे जो जवान है, आर्म्ड फोर्स है, ऑफिस के मतलब जॉब के ड्यूरेशन में शहीद हो जाते हैं, जैसे पुलवामा अटैक जो हुआ, तो दोस्त गैलेंट्री अवॉर्डी होते हैं, उनको परमवीर चक्र, महावीर चक्र मतलब अवार्ड दिया जाता है, सम्मान दी जाती है, तो उनका जो पेंशन होता है ना वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। इसका एक बड़ा अच्छा एक दिन अच्छा तो नहीं कह सकते, उस समय ना APJ अब्दुल कलाम सर्वाइव करते थे, बहुत पहले का, मतलब हम छोटे थे बचपन में, तो सम्मानित किया जा रहा था। मैंने देखा एयरफोर्स के पायलट थे जो ड्यूरिंग ऑपरेशन क्रैश कर गया था,
उनकी वाइफ को सम्मान देने के लिए बुलाया गया, तो वो जब स्टेज पे आई तो वो रोने लगी। और उन्होंने यही चीज रखा कि जो पैसे मिलते हैं दैट इज नॉट सफिशियंट फॉर द फैमिली। उस मोमेंट पर नेशनल चैनल पे उस जमाने में आता था बाबू, उस समय दो ही तो चैनल था, इतना डिश वगैरह सब नहीं था, और था भी तो खैर अपने घर पे नहीं था, तो अपने वही मेट्रो और नेशनल था, तो नेशनल चैनल पर देख रहे थे। एक मिनट एकदम इमोशनली आंख में आंसू आ गया उनको देखकर, और सभी लोग अपना मुंह नीचे कर लिए क्योंकि कैमरा पे कोई नहीं चाहते कि वो टीयर्स दिखे। तो उसी दिन रात में डिसीजन हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अमेंडमेंट मारा और कहा आज से एक्सेप्ट, और अमाउंट भी बढ़ा दिया ताकि परिवार चल सके। इतना पैसा दीजिए कि वो महिला अपने बच्चे को बड़ा कर सके, पढ़ा लिखा, खाना पीना, पालन पोषण के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि जरूरी तो नहीं सबके पास बैक सपोर्ट है, और इस गारंटी नहीं है कि अगर दादा दादी नाना नानी है तो वो सहयोग करेंगे या वो भी फाइनेंशियली कैपेबल है, इसकी तो कोई गारंटी नहीं होती। खैर, और जो भी हमारे आर्म्ड फोर्स की जो विडो होती है, सिर्फ विडो की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, विडो, यहाँ फैमिली मेंबर, देखिए दूसरे पॉइंट में मैंने मेंबर कहा, अगर वो अनमैरिड जवान है तो माँ पिता रिसीव करते हैं, तो मेंबर के लिए भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन जो आर्म्ड फोर्स की विडो होती है, ड्यूरिंग ऑपरेशन वो शहीद हो गए तो उनकी जो विडो होती है उनको पैसा मिलता है, पूरा एग्जेम्प्ट है। तो ये चीज गवर्नमेंट का बहुत पॉजिटिव है, होना भी चाहिए, सही हो, नहीं तो कोई कैसे लाइफ चला पाए। आगे चले तो दोस्त, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन होगा ये तीन पेंशन रहेगा, तुरंत याद कीजिएगा कि सर ने बताया था एग्जैक्ट, इसमें कोई डिडक्शन विडक्शन सोचना ही नहीं, डायरेक्ट एग्जैक्ट। ओके, डन, होप सो फैमिली पेंशन क्लियर होगा आपको। आइए, अब ये जनरेटर जिस पे आप इंतजार था, हंसते आइए, सर ये दो जनरेटर का फोटो उठा के रख दिए हैं, एक तो चूजा है और एक बड़ा जनरेटर है, क्या मामला है? आइए सुनिए थोड़ा सा, आपको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल बताए। हम लोग बहुत बार अपने परिवार के यूज के लिए, अक्सर पहले तो गांव वगैरह में ढंग से लाइन नहीं आता था, या पटना में भी जब बहुत लाइन की क्राइसिस वगैरह रहती थी दोस्त, तो बैकअप लोग रखते थे, इन्वर्टर वगैरह का क्रेज नहीं था बुआ, तो ये होंडा का जनरेटर वगैरह आता है तो ये सब लोग खरीदते थे छोटा। अच्छा, वो हैंडल वाला जनरेटर बहुत आवाज करता है, लोग यही रख लेते। अब सुनिएगा ध्यान से बात, सर ये जो टेंट वाले लोग रखते हैं, ये बड़ा बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो दोस्त मॉडर्नाइजेशन का दुनिया है, तो वो हैंडल वाला जनरेटर तो गया, ये साइलेंट जनरेटर ये लोग किसी चीज में बांध कर, किसी गाड़ी या जीप वीप में बांध कर लाकर पहुंचा देते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से दोस्त, ये जो जनरेटर रेंट पर देते हैं, कुछ लोगों का प्रॉपर बिजनेस होता है दोस्त, 10-10 लाख का जनरेटर दोस्त घर के यूज के लिए कोई थोड़े ना लेता है, बड़ा बड़ा पार्टी चल रहा है, आप देखिएगा ना, कभी कभी जब गांधी मैदान में कैंपेन चलती है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज रहता है कि प्रॉपर बैकअप जनरेटर आता है बड़ा वाला, बाहर कनेक्ट कर लाइन दी जाती है। तो सर कुछ लोग अपना बिजनेस चलाते हैं, और आप अच्छे से जानते हो कि टेंट वाले लोगों का बिजनेस है, या कोई ओकेजनली रेंट पर देते हैं तो बिजनेस है, और बिजनेस का इनकम हमेशा कहां टैक्सेबल होगा? पीजीबीटी। इसीलिए हमने ऊपर थोड़ा सा टेंट वाला माहौल भी बनाया है कि तुम समझ सको चित्र से, पिक्चर से। अब आते हैं नीतीश पर, जैसा कि हम आपको बताएं हमारे स्टूडेंट है, हम उनका एग्जाम्पल रख देते हैं। नीतीश के यहाँ खुद लाइन कटता था गांव पर, वो परेशान हो गया, क्लास उसका मिस होता था, उसने जनरेटर खरीद लिया, फोन चार्ज नहीं हो पाता था तो बात उत नहीं हो पाए इंस्टा पे फेसबुक पर, तो नीतीश ने जनरेटर ले लिया। अचानक से नीतीश के बगल वाले घर में एक छोटा सा फंक्शन था, एक लड़का आया या एक मित्र था, उसने कहा नीतीश यार एक दिन के लिए प्लीज दे दो ना, हमारे यहाँ पार्टी फंक्शन है, जो पैसा होगा हम आपको दे देंगे। अब नोटिस कीजिए, इनकम तो यहां भी है, इनकम यहां भी है, लेकिन दोस्त क्या नीतीश बिजनेस के लिए जनरेटर लिया था? आंसर इज नो, लेकिन इनकम तो है। तो इनकम टैक्स कहता है कि अगर आपका ये बिजनेस नहीं है और आप उससे कोई रेंट रिसीव करते हैं तो इसको कहां टैक्सेबल कर दीजिए? IFOS में एक एग्जांपल और लेते हैं बाबू, मान लीजिए हमको गांव जाना था, शशि के पास एक कार है, आप जानते हैं कि कार भी दो तरह से होती है, कमर्शियल और पर्सनल, है ना, एक येलो प्लेट वाली व्हीकल होती है, ओला वोला में जो चलती है वो कमर्शियल व्हीकल होती है,
तो शशि अपने लिए फरारी खरीदा है, एक एग्जांपल। तो हम बोले शशि थोड़ा गांव जा रहे हैं एक दिन के लिए दे दो फरारी। अच्छा, मुंह पे ही मना कर दिया फरारी, छोड़ो छोड़ो, चलो हम टॉपिक चेंज कर देते हैं। अर्नव ने एक जगुआर लिया है, अर्नव को बोले कि अर्नव थोड़ा ससुराल जाना है, थोड़ा भौकाल बन जाए, क्या जाएंगे स्कूटी से, तो दे दोगे? हाँ। तो अर्नव ने कहा हाँ सर, क्या दिक्कत है, गुरुजी है, ले लीजिए एक दिन के लिए। तो हम बोले कि बाबू जो भी चार्ज है तुम्हारे जगुआर का एक दिन का हम दे देंगे। अर्नव ने कहा ठीक है सर, ओके। तो अब सोचो हम जो उस एक दिन का पेमेंट किए, एक मिनट, हाँ तो कंटिन्यू करते हैं। अर्नव से हम बोले बाबू एक दिन के लिए अपने जगुआर दे दो, ससुराल जा रहे हैं, थोड़ा इज्जत बन जाएगा, स्कूटी से बहुत बेइज्जती होगा। तो भैया हम एक, मान लो एक नॉर्मल सा अनुराग का सर 20,000 से कम तो एक दिन का नहीं लूटेंगे। हम बोले ठीक है भैया, अब 20 करोड़ का गाड़ी तो नहीं ले सकते, लेकिन 20,000 तो अफोर्ड कर सकते हैं, ले लो। तो हम जब ये अर्नव को पैसा दिए बाबू, तो अर्नव का इनकम हो गया, और ये इनकम कहां टैक्सेबल होगा? IFRS में। तो आप एक चीज समझे, जब भी हम किसी एसेट से रेंट रिसीव करते हैं और वो मेरा इनकम नहीं होता है तो कहां टैक्सेबल हो जाएगा? IFRS में। कोई दिक्कत? लेकिन दोस्त अगर हमारा प्रॉपर बिजनेस हो, जैसे आपको एक एग्जांपल बताते हैं। अब देखिए जब घर पर ढलाई होती है तो बहुत लोग मिक्सर प्लांट जिसमें मसाला बनता है ना दोस्त, बालू वालू सीमेंट वगैरह, वो लोग रेंट पर देते हैं, उनका बिजनेस होता है, तो वो कहां टैक्सेबल होगा? PGBP में। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, बताओ कोई मुंह पे ऐसे मना करता है? बोल देता दिल रखने के लिए, दे देंगे सर, सीधे कहता नहीं सर खराब हो जाएगा, लेकिन चलो मुंह पे बोल दिया, ये भी हाँ। मतलब सपना में भी अरमान पूरा नहीं। दोस्त हम मेन रोड पे ही रोक के वहां से पैदल चल रहे हैं। भैया ना हम प्लास्टिक के फरारी पे चले जाएंगे, बट छोटा बच्चा लोग नहीं बैठता है। हाँ हाँ, मरीन ड्राइव के पीछे, हाँ मॉल के पास, उसी पे बैठ के अरमान पूरा कर लेंगे, लेकिन अब तुमसे नहीं। बेइज्जती करने में कोई कमी नहीं करते, घुमा घुमा के मार रहा है। खैर आइए, तो देखिए हमने आपको आज कौन कौन सा टॉपिक क्लियर कर लिया। तो हम लोगों ने कैजुअल इनकम पढ़ा, एक दिन और इस पर डिस्कशन छोटा सा चलेगा क्वेश्चन के रिगार्डिंग। हम लोगों ने फैमिली पेंशन पढ़ा और किमन इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ा, है ना। चलिए आइए आते हैं एक दो टॉपिक और कंटिन्यू करते हैं। ये स्क्रीन हैंड कर रहा है क्या? हाँ नहीं, ठीक है। नहीं दोस्त, लेफ्ट वाला है ना, सुबह सुबह आ रहे थे तो देखे अटल पथ पे मेरे आगे वाले जो बाइक वाले भैया जा रहे थे, अचानक से कोई आंटी कार सीख रही थी, टर्न ली और गाड़ी स्केट कर गया। हम उनके पीछे ही थे, हम मन मन सोचे कि भैया लगता है इसीलिए कल से आंख फड़क रहा है। हम चारों ब्रेक लगा के रोके, दो गाड़ी का दो पैर का, हाँ दो पैर रखे तो दो ब्रेक, एक अगला एक पिछला, दो, तो टोटल चार ब्रेक हुआ ना। उसको रोक दीजिएगा तू, आगे पीछे। तो हम लोग एक अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कॉम्पनसेशन। अच्छा सर, ये एनहांस्ड कॉम्पनसेशन क्या है? सुनिएगा प्लीज, बात नहीं। अच्छा सर,
इनहांस्ड कॉम्पनसेशन अदर सोर्स में जाएगा या सिर्फ इंटरेस्ट जाएगा? नहीं बच्चों, सिर्फ इंटरेस्ट जाएगा कहां? IFOS, सिर्फ इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। अच्छा सर, थोड़ा सा इसको पूरा अगर आप नरेट कर देते तो अच्छा होता। देखिए एकदम आपको एक्सप्लेन करके समझाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं किसी पे एग्जांपल ले लेते हैं, अनुराग पे। मान लीजिए अनुराग ने एक जमीन खरीदा था 2004-05 में, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 2004-05 में। ठीक है भाई, जमीन खरीदा, वेल गुड। अचानक से क्या हुआ बाबू कि उस जमीन के बगल से हाईवे पास होने लगी और गवर्नमेंट ने उसको कंपल्सरी एक्वायर कर दिया। और 2015-16 की बात है, एक काल्पनिक बात है समझिएगा। और अनुराग को मान लीजिए कि मुआवजा दे दिया गया 50 लाख रुपीज। अब आप एक चीज सोचो, हम आपको हाल में कैपिटल गेन पढ़ाए हैं, तो बाबू ये पूरा पैसा तो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होने चला गया, है ना? चंदी बताए थे ना बेटा कि अगर कोई एसेट्स पे हमको पैसा मिला है कैपिटल एसेट्स पे, तो चाहे वो हम कंपल्सरी एक्वायर हुआ हो, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी वो ट्रांसफर हुआ हो, तो टैक्सेबल कहां हो जाएगा? कैपिटल गेन में। अब यहां से मैटर समझिएगा, अनुराग को ऐसा लगता है, हमने एग्जाम्पल नीतीश का लिया, तो अभी अनुराग बोल दे रहे हैं, अनुराग को ऐसा लगता है कि उनको जो मुआवजा मिला है ना, जो कॉम्पनसेशन मिला है ना, वो फेयर नहीं है, वो वाजिब नहीं है, उनको कम पैसा मिला है, जायज पैसा नहीं मिला है। ये इस मैटर को लेकर कोर्ट की तरफ बढ़े, पटना हाई कोर्ट में ले गए, और कोर्ट ने इस मुद्दा को सुना और अनुराग के फेवर में फैसला भी कर दिया। कहा कि नहीं, अनुराग को कम से कम 5 लाख रुपया और मिलना चाहिए। दोस्त जैसे जजमेंट आया, इनकम टैक्स बाहर गेट पे बैठी थी, ओ तुम अदालत से लौट आए, तुम तो जानते हो अदालत, आओ दावा करो, लड़ो और तबाह हो जाओ, अदालत। अनुराग कितना क्लास छोड़ा, कितना कोर्ट का चक्कर लगाया, वुडलैंड का जूता खियाया, तब जाकर ये मुआवजा मिला। इनकम टैक्स हाईकोर्ट के गेट पे बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी, बोला बस 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 अनुराग, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे दोस्त। इतना का जजमेंट हुआ, अनुराग का 5 लाख और मिलेगा, बोला बस 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 इस पे कैपिटल गेन ले दो, हम तो तुमको पढ़ाए हैं ना, तुम्हारे मास्टर साहब तो पढ़े भी किए थे, लाओ कैपिटल गेन पे टैक्स दो। ठीक है भैया, अनुराग बेचारा पहले वाले मुआवजा पे टैक्स दे ही चुका था, इस पे भी कैपिटल गेन का टैक्स दे दिया। लेकिन यहां पर एक और प्रॉब्लम है, सुनिए, अनुराग का कोर्ट में एक बात कहना है, असली पॉइंट यही है। अनुराग ने कोर्ट में बहुत वैलिड पॉइंट रखा, आप लोग भी सोचिएगा कि सर 2015-16 में अगर ये मुआवजा हमको मिल जाता और आज इंसाफ होते होते 2020-21 आ गया, अगर ये 5 लाख आज से हमको 5-6 साल पहले मिला होता तो महंगाई भी उस जमाने में कम थी सर, इन्फ्लेशन कम थी सर, तो इन्फ्लेशन तो इग्नोर हो गया सर, पैसे की वैल्यू गिर गई, आप लोग जानते हैं मनी वैल्यू फॉल करता है, बिल्कुल। तो अदालत ने फिर से अनुराग के फेवर में सुनाया और सरकार को कहा कि भैया अनुराग को आप ब्याज दीजिए, ये जो आप 5 लाख देने में डिले किए उस पर बैंक रेट के अकॉर्डिंगली मुआवजा दीजिए। अनुराग तो दिले दिल बहुत खुश कि भैया वुडलैंड का जो जूता किया है तो फायदा हुआ, कुछ मुआवजा भी मिला है और इस पर ब्याज मिला है। जैसा कि आप जानते हैं गेट पर बैठा है, हाईकोर्ट के गेट पर इनकम टैक्स बैठी थी, बोली बस बस अनुराग दोस्त तो क्या काम किए हो तुम, इंटरेस्ट भी लाए हो, मेरा हिस्सा देते जाना, कहां? अदर सोर्स में, IFOS में। और जानते हो बउआ ऐसे ही इंटरेस्ट को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन इनहांस्ड कॉम्पनसेशन, बढ़े हुए मुआवजे पर जो कॉम्पनसेशन आता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनहांस्ड कॉम्पनसेशन बोलते हैं। लेकिन एक मर्सी भी है। अब आप बोलोगे सर टेक्निकल मर्सी क्यों दिया गया? सोचो अचानक से किसी आदमी को मुआवजा भी दोगे और ब्याज भी दोगे तो उसका स्लैबरेट क्रॉस नहीं कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा ना, बिल्कुल कर जाएगा। तो इसीलिए इनकम टैक्स कहती है कि जो भी इंटरेस्ट मिला है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 50,000 रुपया अनुराग को इंटरेस्ट मिला होता, कितना, 50,000, तो इसका डिडक्शन कितना दे दिया जाता,
स्क्रीन पे देखो ना, मैंने लिखा है पॉइंट नंबर टू में 50%। तो 50,000 का 25,000 लेस कर देते, 50,000 का 50% कितना होता है? 25। बचता कितना? 25। टैक्सेबल कितना होता है? 25। तो पूरा वैल्यू कभी भी टैक्सेबल नहीं होता। ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान से सुनिएगा, जो भी इंटरेस्ट हमें इनहांस्ड कॉम्पनसेशन पर मिलता है, जो भी मिलता है, 1 रुपया, 2 रुपया, लाख, 10 लाख, 1,000, वो पूरा कभी भी नहीं। 50% डिडक्ट कर दिया जाएगा, 50% टैक्सेबल। कोई दिक्कत? ऑल क्लियर? यहां तक क्लियर है ना सभी पॉइंट्स? अभी तक जो पढ़ाया आपको,